कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़ गए हैं। सरकार बार बार किसानों से गणतंत्र दिवस समारोह में खलल ना डालने की अपील कर रही है। दिल्ली पुलिस भी किसानों से बात कर रही है, लेकिन किसान लगातार ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसान नेता राकेश टिकैत से बात की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। 26 जनवरी को इस बार किसान लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। फिलहाल ट्रैक्टर पर हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब हैं, उनसे बात करते हैं। टिकैत साहब, अभी तो 26 जनवरी में टाइम है, लेकिन आप तो टिकैत अभी से ट्रैक्टर पर सवार हो गए आज। इसका वो देखना ना कि इसका ठीक चलता है, बैटरी ठीक है, ये ब्रेक ठीक है, चाल ठीक है, ये कौन से गियर में चलना है, तो रिहर्सल तो करनी पड़ती है। मतलब आपकी भी परेड की रिहर्सल जो है वो शुरू हो गई है, वहाँ जरूरी है, वहाँ पे फोर्सेस की रिहर्सल चल रही है यहाँ आप लोगों की? हाँ, रिहर्सल चल रही है, उसको देखा होंगे आज, हम एक रूट भी आज देखेंगे कहाँ कहाँ तक। अच्छा, उसकी भी रेखी करने जाएंगे? रेखी करने जाएंगे। कितने ट्रैक्टर टिकैत साहब आएंगे गाजीपुर बॉर्डर पे, क्योंकि आप यहाँ पर ज्यादा सक्रिय है, तो यहाँ पर कितने ट्रैक्टर यहाँ से आप लोग 26 जनवरी को लेकर जाएंगे? इनका कोई गिनती कर सकता है ट्रैक्टरों की? अच्छा, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता फिर भी, लेकिन कुछ लोगों से कुछ नहीं, कोई तादाद नहीं। इनको तो LI और पुलिस भी नहीं गिनती कर सकती। तो परमिशन मिल गई, अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमिशन लेकर रहेगा किसान। किसान को परमिशन लेकर रहेगा। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि परमिशन लेनी पड़ेगी मिलिट्री से वहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि दिल्ली पुलिस जाने, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो जाने कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस व्यवस्था करे जाने, तो उनका मतलब सीधा सीधा है कि जहाँ को रोड निकलेंगे उसको व्यवस्था दिल्ली पुलिस करे। तो दिल्ली पुलिस से कोई बातचीत आपकी हुई कि किस तरह से आप लोग आगे जाएंगे, कोई रूट उन्होंने आपके लिए सुनियोजित कर? आए थे वे और उन्होंने कहा कि इस रूट वाला हम अक्षरधाम तक आप चले जाओ, अक्षरधाम से जो यू टर्न है वहाँ से नीचे से यू टर्न। हमने कहा कि अक्षरधाम से अब वो आउटर रिंग रोड कितनी दूर रह जाए, थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे। तो अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया टिकैत साहब आउटर रिंग रोड, आप आगे जाना चाहते हैं, पुलिस तो जाहिर तौर पर क्योंकि तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, पूरी दुनिया की नज़र होती है, और दुनिया की नज़र दुनिया को तो दिखाना कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान में देश भावना इतनी बड़ी है कि जो किसान खेत में काम करता है, गांव में इंटीरियर में रहता है, जिसने कभी सड़क और दिल्ली नहीं देखी, भाई इस ट्रैक्टर ने कभी दिल्ली नहीं देखी, तो ये भी दिल्ली देख आएगा। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड होगी। टिकैत साहब यही कह रहे हैं कि किसी तरह का विघ्न नहीं डालेंगे, जो परेड का रूट होता है उस पर किसान नहीं जाएंगे, दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड है वहाँ पर ही ये ट्रैक्टर परेड जो है वो निकाली जाएगी। कैंपसन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। राकेश टिकैत की बात आपने सुनी। किसान नेताओं का दावा है कि 26 जनवरी पर दिल्ली में 3 लाख ट्रैक्टर से परेड निकाली जाएगी। इसमें करीब 2 लाख किसान पंजाब हरियाणा से होंगे। किसान लगातार ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी की एक और रिपोर्ट आप देखिए। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी हर साल काफ़ी दिनों पहले शुरू हो जाती है, और जो हमारे आर्म फोर्सेस के जवान हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो तैयारियां करते हैं, राजपथ पर तैयारियां जो हैं वो हर साल होती है। लेकिन इस बार एक और तैयारी भी हो रही है, और वो तैयारी है देश के किसानों की, जो 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर बैठे हैं, और ट्रैक्टर जो है ये गाजीपुर पर है, क्योंकि यहाँ पर किसान पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, और अब कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सरकार से मीटिंग चल रही है, लेकिन समाधान कुछ निकला नहीं है। अभी बात करते हैं कुछ किसानों से। तो ट्रैक्टर मार्च की तैयारी पूरी है? पूरी। कितने ट्रैक्टर होंगे? 2 लाख ट्रैक्टर, 2 लाख ट्रैक्टर हरियाणा पंजाब से, और 1 लाख ट्रैक्टर यूपी से, जो सब तैयार हो गए, तैयारी करके पूरी तैयारी है 26 जनवरी की परेड के लिए हमारी। 3 लाख ट्रैक्टर आप खेल रहे हैं? 3 लाख ट्रैक्टर। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर यूपी के, यूपी से। ये बताइए कि आप लोग क्या, आप लोगों का रूट रहेगा, कैसे ट्रैक्टर मार्च निकलेगा? ये तो जो सब रणनीति बनेगी और जहाँ रूट मिलेगा वहीं से हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परेड करेंगे। यानी लाखों की संख्या में ट्रैक्टर किसान लेकर उतरेंगे दिल्ली में? जी हाँ जी, लाखों की बिल्कुल आएंगे। 1 लाख ट्रैक्टर बिल्कुल, पूरी तैयारी से हम पीछे नहीं हटने के। 26 जनवरी तक यहीं हैं हम, 26 जनवरी
जब तक बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं, नहीं। जब तो बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। लेकिन ये इतनी कमिटियां बनाई हैं, ये सब बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमिटी बनाई है, किसी पर भरोसा नहीं? नहीं भरोसा तो, ये तो कुछ नहीं, ऐसे मीटिंग हो बार बार, वो जो बात शुरू की उसमें थी मीटिंग में, वो ही 9वीं में है, वो ही 10वीं में है। देश के सम्मान में किसान है, किसान के सम्मान, सब देश के सम्मान में है। चलिए देश का अलग नहीं जाएगा, बिल्कुल इससे अलग नहीं जाएगा, और कोई अशांति किसी तरह की भी नहीं फैलाएगा और ना फैलाने दी जाएगी। चलिए कोई अशांति नहीं फैलाएंगे, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका किसी तरह से उल्लंघन ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, उनके पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी देखना यही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से दिल्ली पुलिस से कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो दिल्ली पुलिस देखे कैसे हैंडल करना है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो मार्च जो है वो निकालेंगे, और जैसा कि इन्होंने हमें बताया है, ये दावा करें कि 3 लाख के करीब जो है ट्रैक्टर वो दिल्ली में उस दिन जो है वो 26 जनवरी को जो है वो मौजूद होंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, गाजीपुर बॉर्डर। ट्रैक्टर परेड की तैयारी सिंघू बॉर्डर पर भी चल रही है। आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसानों से बात करने के लिए यहां पर पहुंचे, लेकिन किसान ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हुए हैं। इंडिया TV संवाददाता अर्चना सिंह ने किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू से बात की। 26 तारीख को किसान कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस की कल किसान संयुक्त मोर्चा के लोगों के साथ बैठक भी हुई, जानने की कोशिश हुई कि क्या रूट होगा, किसान क्या कहते हैं। सतनाम सिंह पन्नू जो किसान नेता है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पन्नू साहब, क्या ये पूरी तरह से तय है कि ट्रैक्टर परेड निकलेगी? हाँ, पूरी तरह तय है, ट्रैक्टर परेड निकलेगी, हर हालत में निकलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी। लाखों ट्रैक्टर, लाखों लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं और हर हालत में निकलेगी। उसका जो है रूट प्लान भी दास दिया गया है कि ऐसे रास्ते से निकलेगी। सरकार को रास्ता देना चाहिए, पुलिस को रास्ता देना चाहिए, और किसानों का जो दिली तमन्ना है गणराज बनाने का, जो ना का हक है, उसको पूरा करना चाहिए, और सरकार को बिगड़ नहीं डालना चाहिए। नहीं, लेकिन आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि 26 तारीख गणतंत्र दिवस देश के गौरव का दिन होता है, उस दिन पे अगर दिल्ली जाम होती है तो ये दिल्ली के लिए या देश के लिए भी शर्मिंदगी की बात होगी? कोई दिल्ली जाम नहीं होगी, असि उनको सरकारी प्रोग्राम के कोई विघन डालने वाले नहीं, कोई साडा इस तरह का बिल्कुल नहीं हैगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी इमारत को नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं शांतिपूर्ण होगा, कितने लोग होंगे और कितने ट्रैक्टर होंगे इसमें? लाखों ट्रैक्टर होंगे, लाखों लोग होंगे, बीबियां होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, बच्चे होंगे, बहुत बड़ी तादाद में होंगे। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे तो उनकी गारंटी कैसे कोई ले सकता है, कहां पे क्या गड़बड़ हो जाए? भीड़ किसी के काबू में नहीं रहती, इसीलिए चिंता है सबको। ये भीड़ नहीं होगी, ये भीड़ नहीं होगी, निशाचर किसान होंगे और किसान आगू आगे लगेंगे, साडे वॉलंटियर आगे लगेंगे, किसी को कोई निशाचर भंग करने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल।